हजार समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। मेरा नाम संदेश मिश्रा उर्फ समते निशी है और मैं नागपुर का रहने वाला हूं। और ये जो साइकिल यात्रा है ये 5 नवंबर 2023 को कलकत्ता से शुरू किया हूं और 10 दिसंबर 2023 को विश्व मानवाधिकार दिवस पर ये दिल्ली में समाप्त होगा। क्या उद्देश्य रहा है इस साइकिल यात्रा का? मुख्य उद्देश्य है तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, क्योंकि तिब्बत जो है ये गुलाम देश नहीं था। ये चीन ने बाद में 59 में किया है, जिससे हमारे ऊपर 62 में आक्रमण किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि तिब्बत की मुक्ति, भारत की सुरक्षा। तिब्बत अगर आज़ाद होता है तो हमारा जो सीमा का विवाद है जो चीन के साथ चल रहा है वो टोटली समाप्त हो जाएगा। अभी देखिए चीन जो तिब्बत की संस्कृति है नष्ट करने के लिए 3 साल के बच्चों को अपने माँ बाप से अलग करके उन्हें बोर्डिंग स्कूलों में दाखिला कर रही है, जिससे कि वो तिब्बत की संस्कृति भूल जाए। तिब्बत को संस्कृति, तिब्बत की भाषा, तिब्बत का पहनावा सब कुछ भूल के वो चीनी भाषा और चीनी पहनावा सीखे। इसलिए वो भी अभी ने एक नया परंपरा शुरू किया कि वो 3 साल के बच्चों से लेके उनको अपने स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में दाखिला दे रही है। उसी प्रकार चीन के जेलों में बहुत से लोग कैद है, जैसे 11वें पंचम लामा, जिन्हें दलाई लामा जी ने 6 साल की उम्र में उन्हें घोषित किया कि हमारे 11वें पंचम लामा है। दूसरे दिन विश्व की ये पहली घटना है कि किसी 6 साल के बच्चों को कैद किया गया है। तो बताइए साइकिल जो आप ले जा रहे हो इससे क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या है? इससे भी यही संदेश दे रहे हैं हम कि तिब्बत की आज़ादी से भारत की सुरक्षा किस प्रकार है। नाम है छपल, मैं यहाँ तिब्बती मार्केट में रहता हूँ। तो मैं 50 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ मतलब बिजनेस करता हूँ रोजी रोटी में। तो आज भाई साहब जी इधर इतना ये रैली में आए हुए हैं कलकत्ता से, ये तिब्बत के बारे में और अपने हिंदुस्तान के भी बारे में इसमें बहुत कुछ बातें ऐसे हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान वासियों को पता नहीं है। जैसे कि अभी ये एक मुद्दा है जो तिब्बत और इसके बारे में और भारत तिब्बत सहयोग मंच और इनमें और इसके बीच में एक चीन देश आता है जो हमारे हिंदुस्तान में जो कि मतलब मुसीबत और बन के खड़ा है। वो कैसे है? जब हमारे देश आज़ाद था तो हमारे हिंदुस्तान सरकार को 1 रुपये का खर्चा नहीं था, क्योंकि जैसे कि हमारा बहुत लंबा मतलब सीमा है, जैसे कि ये तामांग हो गया, अरुणाचल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये बहुत बड़ा सीमा हिंदुस्तान से लगता है। तो अब देखिए जैसे कि हम तिब्बत लोग जो 59 से चीन से मतलब तिब्बत से बाहर निकल आए तो उनका कब्जा जब हुआ है उसके बाद जो है कि हमारे हिंदुस्तान सरकार का एक दिन का जो सीमा जो सुरक्षा बल का 40,000 करोड़ रुपये खर्चा होता है। तो ये तिब्बत मतलब उनके अंडर आने के बावजूद तो हमारे हिंदुस्तान सरकार को भी जागना जरूरी है। तो ये तिब्बत जो है एक शांति देश था और शांति देश रहेगा और आगे भी मतलब अपने पड़ोसी देश को कोई दिक्कत ना आए। जब हमारा जब खुला था तो आपस में हम लोग छोटा मोटा व्यापार के लिए आना जाना होता था, उस टाइम कोई सीमा का मतलब कोई परेशानी नहीं था। तो यही संदेश है कि तिब्बत चीन और ये हिंदुस्तान के भी हम लोगों के बीच में जो दिक्कतें हैं तो ये मतलब सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि यह है। तो मकसद हमारा यह है कि तिब्बत जो आज़ाद हो जाए तो हिंदुस्तान सरकार का भी बजट में पैसे में खर्चा बहुत कम होगा। 40,000 करोड़ का एक दिन का खर्चा है, जब तिब्बत आज़ाद था तो उस टाइम खर्चा नहीं है। तो यही आवाज़ मतलब आवाज़ देखिए भाई साहब आए हैं तो दिल्ली तक जा रहे हैं तो सभी मतलब अभी हम लोगों ने मार्केट में भी इन्होंने आके मतलब जो संदेश देना था, बहुत आज संडे था, मार्केट में बहुत रश था तो हमारे झांसी के नगरवासी हैं बहुत कस्टमर थे, सभी को मतलब ये पहचान और इनकी जो मकसद और सभी को जो हमारे जो देना था मालूम चलना था तो ये इन्होंने वहाँ जो अपना भाषण में उन्होंने सबको बताया है। तो हमारे हिंदुस्तान में अभी तक मेरे हिसाब से 80-90% को अभी ये चीज़ मालूम नहीं है, बाकी न्यूज़ वगैरह सब पता होता है लेकिन ये चीज़ पता नहीं है। हमारे देश का जो हिंदुस्तान सरकार का 40,000 करोड़ रुपये एक का खर्चा होता है तो यही बचाने के लिए और शांति देश बनाने के लिए तिब्बत को आज़ाद करना बहुत जरूरी है।